हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग में बड़े बड़े सिंगर्स को तो सभी ने परफॉर्म करते देखा, लेकिन इन सभी सिंगर्स ने कितने पैसे लिए हैं इस शादी में परफॉर्म करने के लिए, ये कोई नहीं जानता। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन सभी सिंगर्स की सैलरी के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अनंत और राधिका की शादी में परफॉर्म करने के लिए बहुत बड़ी रकम चार्ज की है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। नंबर वन, जस्टिन बीबर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं जस्टिन बीबर से जिन्होंने अनंत और राधिका की शादी में चार चांद लगा दिए, और बॉलीवुड के कई स्टार्स जस्टिन बीबर की एक झलक देखने के लिए किए गए इस शादी में सपोर्ट। जस्टिन बीबर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में परफॉर्म करने वाले मोस्ट एक्सपेंसिव सिंगर थे। इन्होंने शादी में परफॉर्म करने के लिए 84 करोड़ रुपए की बड़ी रकम ली थी। नंबर टू, रिहाना। रिहाना ने अनंत और राधिका की फर्स्ट प्री वेडिंग इवेंट में परफॉर्म किया था, और इसकी वजह से उन्हें खूब फेम मिला और हर तरफ रिहाना की परफॉर्मेंस की चर्चा भी हो रही थी। वहीं रिहाना ने मुकेश अंबानी से इस शादी में परफॉर्म करने के लिए 74 करोड़ रुपए लिए थे। नंबर थ्री, कैटी पेरी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने अपने सेकेंड प्री वेडिंग इवेंट भी बहुत इंजॉय किए थे, और ये इवेंट 3 दिनों तक चले थे। इसमें मेहमानों के लिए हर सुख सुविधा का ख्याल रखा गया था। कैटी पेरी ने म्यूजिक की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वहीं साई शादी में परफॉर्म करने के लिए उन्होंने 45 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। नंबर फोर, बियोंसे। बियोंसे के म्यूजिक के तो सभी दीवाने हैं। इन्होंने भी राधिका और अनंत की वेडिंग में अपनी ग्रैंड परफॉर्मेंस दी, और म्यूजिक की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है, जिसकी वजह से इन्होंने इस वेडिंग में परफॉर्म करने के लिए 33 करोड़ रुपए चार्ज किए। नंबर फाइव, क्रिस मार्टिन। इस शादी में हॉलीवुड से क्रिस मार्टिन को भी बुलाया गया था, और उन्होंने भी गेस्ट को बहुत एंटरटेन किया, लेकिन बाकी सिंगर्स के मुकाबले में इन्हें काफी कम फीस दी गई। इन्हें एक परफॉर्मेंस के लिए 8 करोड़ रुपए की फीस दी गई है। नंबर सिक्स, जॉन लेजेंड। जॉन लेजेंड भी म्यूजिक की दुनिया में अपना नाम बनाने में काफी कामयाब रहे हैं, तभी तो अंबानी परिवार ने इन्हें भी शादी में परफॉर्म करने के लिए बुलाया, और इन्होंने एक दिन की परफॉर्मेंस के 8 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। नंबर सेवन, बैक स्ट्रीट बॉयज। इंडियंस को पॉप म्यूजिक से काफी लगाव है, और इसी लगाव को देखते हुए मुकेश अंबानी ने शादी में बैक स्ट्रीट बॉयज को भी परफॉर्म करने के लिए हायर किया, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के लिए 7 करोड़ रुपए चार्ज किए। नंबर एट, अरिजीत सिंह। अंत में बात कर लेते हैं भारत के बेस्ट सिंगर्स में से एक अरिजीत सिंह के बारे में। इन्होंने इस कपल के प्री वेडिंग इवेंट में परफॉर्म किया था, लेकिन सबसे ज्यादा कम सैलरी भी इन्हीं को मिली है। इन्हें राधिका और अनंत की शादी में परफॉर्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की फीस दी गई, जो कि बाकी सिंगर्स के मुकाबले में काफी कम है। दोस्तों, आपकी राय में अरिजीत सिंह को सही सैलरी मिली है या कम, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, और साथ ही ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अनंत और राधिका की शादी में किस सिंगर की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।